प्रियंका गांधी को कार्यक्रम में कांग्रेसी नेता देवेंद्र सिंह यादव ने खाली गुलदस्ता दे दिया था। प्रियंका ने अपने भाषण में ही हंसते हुए इस बात का जिक्र किया था कि कांग्रेसी नेता ने उन्हें बिना फूल का गुलदस्ता दे दिया। इस बात पर अब देवेंद्र सिंह यादव ने सफाई देते हुए कहा है कि यह गुलदस्ता भाजपा के खोखले वादों के प्रतीक के रूप में था। उन्होंने प्रियंका को यह गुलदस्ता देते हुए कहा था कि भाजपा भी इसी तरह जनता को बिना फूल का खाली गुलदस्ता दे रही है और बेवकूफ बना रही है। प्रियंका ने भी अपने भाषण में कहा था कि यह गुलदस्ता भाजपा के खोखले वादों की तरह है। जनता को समय रहते यह बात समझना होगी, वरना बाद में पता चलेगा कि भाजपा का दिया गुलदस्ता तो खाली था। बता दें, मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव का स्तर अपने चरम पर है। यहां 17 नवंबर को मतदान होना है और 3 दिसंबर को मतगणना के बाद परिणामों की घोषणा की जाएगी। इससे पहले राज्य में जबरदस्त तरीके से चुनाव प्रचार हो रहा है। यहां मुख्य टक्कर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच है। दोनों पार्टियां बहुमत के साथ सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। दोनों पार्टियों के नेता जमकर रैलियां और जनसभाएं कर रहे हैं। इसी क्रम में सोमवार को प्रियंका गांधी इंदौर में थी। इस दौरान जब वह मंच पर पहुंची तो कांग्रेस के स्थानीय नेता उनका स्वागत करने पहुंचे। नेता गुलदस्ते देकर प्रियंका गांधी का स्वागत कर रहे थे। इसी दौरान एक नेता गुलदस्ता प्रियंका गांधी को देकर उनका स्वागत करते नजर आए। तभी अचानक प्रियंका गांधी देखती हैं कि गुलदस्ते से फूल ही गायब है। प्रियंका गांधी खाली गुलदस्ते की तरफ इशारा करते हुए बताती हैं कि या तो खाली है। तभी मंच पर उपस्थित सभी नेता हंसने लगते हैं। पूरे प्रकरण का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इस वीडियो पर चुटकी लेते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राकेश पाठक इसे गुलदस्ता घोटाला बताते हैं। उन्होंने अपने एक्स ट्विटर पर लिखा, गुलदस्ता घोटाला, गुलदस्ते से गुल गायब हो गया, गुलदस्ता पकड़ा दिया। मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रियंका वाडा की रैली में एक कांग्रेसी गुलदस्ता देने पहुंचा, लेकिन कांग्रेसी खेल हो गया। वहीं इंदौर की इस रैली को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने प्रदेश के बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, मध्य प्रदेश में भाजपा 18 सालों से सत्ता में है। केंद्र में उन्हें 10 साल होने को है, लेकिन उनके नेताओं के पास जनता के लिए कुछ नहीं है। मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक अपनी सभाओं में कांग्रेस का नाम जपते रहते हैं। प्रदेश की जनता समझ गई है कि चोरी की सरकार 250 घोटाले करके जनता का धन चोरी कर सकती है, लेकिन उनका भला नहीं कर सकती। मध्य प्रदेश में कांग्रेस भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। बता दें, प्रियंका गांधी सोमवार को इंदौर में थी। जनसभा के दौरान उन्होंने इंदौर के भोजन की जमकर तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि यहाँ का भोजन दुनिया भर में लोकप्रिय है, लेकिन मैं अभी यहाँ के फूड आइटम टेस्ट नहीं कर पाऊंगी। उन्होंने बताया कि वे अभी डाइटिंग पर हैं, इस वजह से उनकी यह इच्छा इस बार पूरी नहीं हो पाएगी। उनकी इस बात पर सभा में मौजूद लोगों के चेहरे पर भी मुस्कान बिखर गई। वीडियो डेस्क, amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।